हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अकीता अकेडमी किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया मिठाई। देखने में इतनी लाजवाब लग रही है कि आप लोग इस रेसिपी को देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाएंगे और इस मिठाई को तुरंत बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज ये जो मिठाई मैं आप लोगों के सामने जो पेश की है वो मैंने कच्ची कैरी से बनाई है। बाज़ार में इस समय कच्चे आम बहुत चल रहे हैं, मतलब हमें आसानी से मिल जाते हैं, तो क्यों ना हमने सोचा उसका कुछ यूनिक मिठाई बनाई जाए। आमतौर पर आपने दूध और मावा की मिठाइयाँ तो बहुत खाई हैं, बट ये मिठाई बिल्कुल फर्स्ट टाइम और बहुत ही अलग तरीके से इतनी टेस्टी है ये कि आप इसको बनाए बिना ना रह पाएंगे। तो चलिए, समय को नहीं गंवाते हैं और मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ ले रखी 2 कच्ची कैरियाँ। इस तरीके से बाज़ार में जो कैरियाँ आ रही हैं आप उसी को ले सकते हैं। और मैंने सबसे पहले इसको धो के रख लिया था। अब मैं इसके जो ऊपर का जो कवर है चिकन, वो इस तरीके से इससे निकाल दूँगी। आप चाहे तो चक्कू की सहायता से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके जो चिकन है वो उसको छीन लिया है, उनको अलग कर दिया है। अब हमें इसके जो छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं, ये देखिए मैंने इस तरीके से पीसेस कट कर लिए। जो गुठलियाँ होती हैं उसको अलग कर दिया है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक ग्राइंडिंग जार में डाल ली है और हमें इसमें ना दूंगी 1 कप पानी। पानी का मिश्रण आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको आवश्यकता लगती है, क्योंकि हमें इसका एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है। इसको कवर करेंगे और इसको बिल्कुल बढ़िया से पीस लेंगे। फ्रेंड्स, याद रहे इसको हमें बढ़िया पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने बारीक पीस लिया है। अब हमें लेना है एक फ्राई पैन, उसको रख देते हैं हम एक साइड। हमने ले लिया है यहाँ पर फ्राई पैन। अब आप चाहें तो उसको छान के भी ले सकते हैं, कहीं उसमें कोई गुठली ना बची हो, मतलब कोई आम का टुकड़ा ना बचा हो। मेरे फ्रेंड्स, मेरे इस पेस्ट में कोई भी टुकड़ा नहीं, मैंने उसको अलग कर लिया था पहले ही। तो ये देखिए मैंने सारा जो भी पेस्ट है वो उसमें डाल लिया है। पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार शक्कर। ध्यान है दोस्तों, कैरी थोड़ी सी खट्टी होती है, इसलिए हम थोड़ा शक्कर की मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा टेस्ट कर लें, उसी के हिसाब से आप शक्कर डालें। शक्कर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच फूड कलर। फ्रेंड्स, फूड कलर डालने से जो इसकी जो मिठाई है वो बहुत ही देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगी। ये मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मेरे पास है इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। मिठाई में अगर इसे डालते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगेगी, लुक जो हमारा मिठाई का है वो बहुत ही बढ़िया आएगा, इसलिए मैंने ये ऐड किया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि पूरा अच्छे से कलर मिक्स ना हो जाए। ध्यान है मैंने अभी इसको गैस पे नहीं रखा है, अभी हम सारी चीज़ों को बस फ्राई पैन में अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। जब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद ही हम इसको गैस पे फ्लेम पे रखेंगे। तो सभी ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको इंडक्शन पे, मैंने इंडक्शन पे बना रही हूँ, अगर आप गैस से बना रहे हो तो आप गैस पे भी रख सकते हैं। तो अब हमने इसको रख दिया और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से, और उसको अभी हमें कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है, हमने फ्लेम को हाई नहीं किया है, और इस तरीके से इसको पकाएंगे जो इसमें कच्चा पान है कैरी का वो टोटली ख़त्म हो जाएगा, जिससे जो हमारी मिठाई है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो मैं इस तरीके से इसको चलाते हुए पका रही हूँ। 5 से 7 मिनट बाद आप इसमें देखेंगे कि इसमें हल्का सा बॉईल जो है वो आना शुरू हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि शक्कर हमारी मेल्ट हो गई है, वो थोड़ा सा जो फ्राई पैन पर लग सकती है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू इसी तरीके से चलाऊँगी। और फ्रेंड्स, आप देखिए इसी तरीके से हमें चलाते हुए ही पकाना है, आप इसको थोड़ा सा छोड़े ना, नहीं तो हमारी जो मिठाई है वो स्वादिष्ट नहीं बनेगी। तो अब हमने जो दूसरी तरफ हमने एक कटोरी में ले लेंगे 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच का इस्तेमाल किया है कॉर्न स्टार्च का। और अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी। पानी को थोड़ा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना डालना है कि हमारा जो पेस्ट है इसका कॉर्न स्टार्च का वो अच्छे से बन जाए और इसमें कोई भी लम्ब्स ना रहे। ये देखिए, तो मैंने वो जो पेस्ट है वो बिल्कुल तैयार कर लिया है, इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं है, और ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और अब हमें जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना है। हमने कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल इसलिए किया फ्रेंड्स, जिससे जो हमारी मिठाई है वो बहुत ही जल्दी थिक होगी और जमने में हमें आसानी रहेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने इसमें कॉर्न स्टार्च डाला है, आप देख सकते हैं कितनी जल्दी थिक होने लगी है हमारी मिठाई, इसलिए हमने इसमें कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप इस जगह अरारूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमें चलाते हुए उसे थोड़ा सा और पकाना है, जब तक थोड़ा सा गाढ़ी और ना हो जाए। ये देखिए कॉर्न स्टार्च ने अपना काम शुरू कर दिया है। वाह, बहुत ही बढ़िया बनने वाली है मिठाई। कच्चे आम का आप इस तरीके से ये मिठाई बना के, ये देखिए बनाकर आप फ्रिज में रखिए, काफ़ी दिन तक ये चल सकती है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। खट्टी मीठी वाली जो मिठाई जो हमें बिल्कुल अलग तरीके से बनाई है ना, मैंने इसमें घी, दूध, मावा, कंडेंस मिल्क, मिल्क पाउडर, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करा है, बहुत ही नए तरीके से बनाया है।
तो फ्रेंड्स ये बैटर जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी कम होती जा रही है क्योंकि अच्छे से पक गया है। अब हमने जो दूसरी साइड है एक बॉक्स ले लिया था इस तरीके से और उसमें घी लगा ग्रीसिंग कर दिया है। आप चाहे तो ऑयल की ग्रीसिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके तरीके का बॉक्स नहीं है तो आप छोटी सी कटोरियाँ होती हैं या स्टील की या प्लास्टिक की, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सारा जो बैटर है वो उसमें डाल दिया है, थोड़ा सा टेप किया है जिससे इसमें कोई भी एयर बबल्स ना रहे। उसको हम थोड़ा देर ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे, जिससे अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 2 से 3 घंटे हो गए और ये कितनी बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। और ये किनोरियों से थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये अलग होने लगी है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से, मेरा थोड़ा सा बैटर बचा था तो मैंने स्टील की कटोरी में भी जमा दिया है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब हम ये भी दिखाना चाहूँगी मैं आपको, स्टील की कटोरी में भी बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको प्लास्टिक में ही जमाना है, तो ये दोनों तरीके दोनों जो बर्तनों में हमने जमाया था वो बढ़िया से सेट हो गई है। अब हमने एक कटोरी में ले लिया नारियल का जो बुरादा आता है, कस्टर्ड बोलते हैं, वो मैंने ले लिया है। अब इस मिठाई को हम धीरे धीरे करके कटोरी से बाहर निकालेंगे। आप चाहें तो चाकू की सहायता से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल आई है। अब हम नारियल का जो बुरादा है इसमें इस तरीके से इसको लपेटेंगे जिससे जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। मैं इसलिए इसको थोड़ा सा गार्निशिंग कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसके भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कट करके भी खा सकते हैं उस मिठाई को। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है। अब सेम तरीके से हम जो इसमें जो मिठाई जमा रखी है हमने उसको भी इसी तरीके से चाकू की सहायता से निकाल लेंगे और उसके पीसेस कट करेंगे और फिर उसको भी इसी तरीके से नारियल के बुरादे में लपेट के रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये निकाल दिया है। मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगी कितनी बढ़िया तरीके से सेट हुई है, बहुत ही टेस्टी, वाओ मज़ा आ जाएगा। तो चलिए ये अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसमें चक्कू से कर रहे हैं छोटे छोटे कट। कट आप अपने हिसाब से, जैसा आप डिज़ाइन से काटना चाहते हैं आप उसी डिज़ाइन से काटिए। मैं थोड़ा लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर रही हूँ इसके। ये देखिए आप अपनी पसंद अनुसार करें। तो मैंने कर लिए हैं सेट, इसको कट कर लिए है और अब मैं इन जो पीसेस हैं इनको लेके नारियल के बुरादे में लपेट के इस तरीके से जमाती जाऊंगी। फ्रेंड्स इसी प्रोसेसिंग के साथ हमें जो बाकी के जो पीसेस हैं उसको भी हम इसी तरीके से तैयार करके रख लेंगे। बनने में बहुत ही ईजी है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो इसी तरीके से हमने देखिए सारे फ्रेंड्स सारे जो पीसेस थे उसको तैयार कर लिए। देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे काजू का जो है गार्निशिंग की है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे देखने में हमारी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट और देखने में लुकिंग वाइज बहुत ही बढ़िया लग रही है। फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वाले आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। आपको इसी तरीके से मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगी। और उम्मीद करती हूँ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आप भी ये मिठाई ज़रूर बनाएं और अपने अनुभव मुझसे जरूर शेयर करें।